हेलो फ्रेंड्स मैं सर शिव सिंह भाटी डी एन ए में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज मैं लेके आया हूं आपके लिए न्यू टॉपिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ सेंट्रल या स्टेट एग्जाम के अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर इसका एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज हम फ्रेंड्स पता करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एम्बुलेंस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा इसीम हाइपोक्सिया की कंडीशन की जिससे इ डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं वो इिवर्सिबल डैमेज हो जाएंगे यानी वापस उसका फॉर्मेशन नहीं होगा इसका ट्रीटमेंट के लिए हम नॉर्मली स्टेंड एथरेस्लटिक प्लेग जो बनता है उसको कट करने के लिए बैलून कैथेटर डालते हैं स्टेंट डालते हैं रिलीव करने के लिए अब मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमआई के बारे में वो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट होता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर एम का मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है वो है कोरोनरी आर्टी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम आई का मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस थर्ड मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पर एम मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो है एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल पर सबसे ज्यादा होता है फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन होते हैं तो डिसरिदिमिया हार्ट फेलियर कार्डियोजेनिक शॉक ड्रेसलर शेड्रम ड्रेसलर सिंड्रोम ये मोस्ट ऑफ चार होते हैं कई बार ए रिदिमिया भी आता है लेकिन ए रिदिमिया सही नहीं है डिसरिदिमिया है तो ही हमें राइट करना है और जब मॉनिटर के ऊपर एम आई के अंदर विथिन ट्वेंटी फोर आवर के अंदर हमें मॉनिटर पे रखना है हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को और जो हमें मॉनिटर क्या करना है डिसदमिया को हमें मॉनिटर करना है सिंड्रोम के अंदर तीन डिजीज होती है पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डियल इफ्यूज़न इफ्यू प्लूरल इफ्यूज़न पेरिकार्डिटिस का मतलब है पेरिकार्डियम जो लेयर आती है हार्ट की चारों तरफ उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूड होता है फिफ्टी एम ट्वेंटी एम उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाना प्लोरल उसके अंदर फ्लूड इकट्ठा हो जाना पेरिकार्डियल जो लेयर होती है हार्ट की उसके अंदर फ्लूड एक्यूमलेट हो जाना प्लेल इफ्यूजन लंग्स और सेस्ट के बीच में जो लेयर होती है उसके अंदर फ्लूड एक्यूमलेट हो जाना प्लोरल इफ्यूजन इसको नॉर्मली हम डायबिटिक्स या ट्यूब डाल के निकाल सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ एम आई एम आई का मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि इसको एम आई है या नहीं तो ट्रोपोनिन आई और सी के एम बी क्रिटेनिन का एम बी इसको हम चेक करके नॉर्मली ट्रोपोनिन आइन का लेवल ट्रोपोनिन आई और टी भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का लेवल होता है वो है जीरो से जीरो पॉइंट फोर एनोग्राम पर और एम और क्रिएटिन काइनेस एमबी का लेवल है पाँच से पच्चीस फाइव टू ट्वेंटी फाइव आई पर लीटर विथिन इन ट्वेंटी फोर रिस्क फॉर डेथ एमआई के अंदर विथिन इन ट्वेंटी फोर में अगर डेथ का कोई रिस्क है तो उसका कारण क्या है सीवियर एनजाइटी इसमें विथिन इन ट्वेंटी फोर आवर के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन एसेंशियल होता है सेवन नंबर आता है हमारा नर्स का प्राइमरी रोल क्या है एम का जो पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल में आता है तो नर्स का जो प्राइमरी रोल क्या होता है तो होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेन करनी है डी ड्रग ऑफ सॉइस एम के अंदर डी ओ सी यानी ड्रग ऑफ सॉइस क्या है मॉर्फिन सल्फेट मॉर्फिन सल्फेट प्ले को कम नहीं करता है लेकिन ये कॉर्नरी आर्टरी को डायलेट करता है जिससे हार्ट का वर्कलोड कम आता कम हो जाता है और पेन कम होता है नाइन नंबर ई चेंजेस। जी ई के अंदर क्या चेंजेज आते हैं और मॉर्फिन देते समय हमें सबसे पहले रेस्पिरेशन को भी चेक करना है। ठीक है ब्रेडी कार्डिया करता है ई सी जी ई सी जी चेंजेस में क्या होगा क्यू वे एबनॉर्मल इनवर्जन टी वे ई सी जी में देखने को मिलती है ट्रीटमेंट करने के बाद में भी इन्वर्जन टी वे एस टी सेगमेंट वगैरह सब सही हो जाएगा लेकिन क्यू वे हमेशा ऑलवेज एबनॉर्मल रहेगी अगर किसी पेशेंट को पहले एम आई का अटैक आया है तो हम इसी जी में अगर क्यू वे एबनॉर्मल है तो हम चेक कर सकते हैं अभी इसको पहले एम आई आ चुका है एम आई का पेशेंट है एम आई दो तरह के होता है एस टी सेगमेंट एलिवेशन नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन एस टी सेगमेंट वो एलिवेट होता है किस कारण अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण थ्रोम्बस है तो अगर क्लॉट फॉर्मेशन है तो नॉन एस टी सेगमेंट एस टी सेगमेंट एलिवेट नहीं होगा क्लॉट की कंडीशन में थ्रोम्बस की कंडीशन में एलिवेट होगा थ्रोम्बस को रिलीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एस टी की स्ट्रेप्ट्रोकाइनिज स्टेप्ट्रोकाइनिज और क्लॉट को रिमूव करने के लिए लेंगे हम एस्प्रीन दोनों कंडीशन के अंदर दो चलती है ट्रीटमेंट एस टी सेगमेंट एलिवेट में चलती है सोनम और नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन में चलती है मोना सोनम का मतलब होता है एस फॉर एस टी की स्ट्रेप्टोकिस ओ फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन ए फॉर एस्प्रीन एम फॉर मॉर्फिन सल्फेट और नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन के अंदर चलती है मोना एम फॉर मॉर्फिन सल्फेट ओ फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एन फर नाइट्रोग्लिसरीन और ए फॉर एसिन ट्रीटमेंट चलता है इसमें आता है लेविन 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 साइन साइन रेडिटिंग टाइप का पेन होता है स्क्वीजिंग हैवीनेस इन नेचर होता है इसका इसका नेचर कैसा होगा एम के अंदर जो पेन होता है उसका नेचर होगा स्क्वीजिंग एंड हैवीनेस इन नेचर लेविन साइन इन रेडिटिंग पेन मसल पेन होता है बहुत तेज एक आता है इसके हॉल्ट मोनिटर क्या है तो होल्टा मॉनिटर एक ईसीजी का एक प्रोसेस है जिसमें ट्वेंटी फोर और से लेके सेवेंटी टू आवर्स तक मॉनिटर करते हैं और इसमें पेशेंट को सलाह देनी है एडवाइस देनी है कि वो नो स्विम और नो बात नहीं करनी है ठीक है थर्टीन क्वेश्चन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी कम हो जाए जो नॉर्मल होता है उससे ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी कम हो जाए तो पेशेंट को लो हैंड इन ट्रेंडेल एन बर्ग पोजिशन करना है ट्रेंडल एन बर्ग पोजिशन में हेड है नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ ट्रेंडल एन बर्ग पोजिशन में करना है और हेड को लो लेवल पे रखना है ये होता है एम आई का ट्रीटमेंट तो फ्रेंड्स ये मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं एम आई के अंदर वो मैं आज लेके आ गया हूं। Thank you to see.